साकार करें सपने अपने। आज आपको लक्ष्मी जी के 18 मंत्र बताऊंगी। ये मंत्र जपने से आपको लाभ जरूर होगा, आप करोड़पति बन सकते हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि आपकी राशि के हिसाब से आपको कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए और आपकी स्किन से कुछ हिस्से जहाँ पे कालापन रहता है उसे स्किन के कलर में लाने की ब्यूटी टिप भी दूंगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। अगर आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो अपने घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाना घर में संपत्ति जैसा सौभाग्य लाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप 3 पुराने चीनी सिक्कों को या नॉर्मल तांबे के छेद वाले सिक्कों को लाल धागे में या रिबन में बांधकर अपने घर के मेन गेट के हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर में सभी लोगों को फायदा होगा। ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटकाने चाहिए, ना कि बाहर की ओर। अभी लक्ष्मी जी की बात खत्म नहीं हुई है। आपको सिर्फ लक्ष्मी जी ही नहीं बल्कि उनके पुत्रों का नाम जाप करने से भी लाभ होगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है और लक्ष्मी जी के पुत्रों के 18 नाम कौन से हैं, आइए जानते हैं। धन लाभ होने लगेगा लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों के नाम। ओम देव सखाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम चिकलिताय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम दमकाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम सललाय नमः, ओम गुगलाय नमः, ओम करुकाय नमः। लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों के नाम एक सफेद कागज पर रेड या पिंक पेन से लिखें। अपने घर में पूजा के स्थान पर ये कागज फोल्ड कर रख दें। काम पर जाने से पहले इस कागज को माथे पर लगाकर माथा टेक कर जाएं, काम यूं ही बन जाए। मैं तो अपना हर शो दर्शकों के सवाल से ही तैयार करती हूँ। अब देखिए ना, मुझसे कुछ दर्शकों ने चीजों के बारे में पूछा जिन्हें घर में रखने से माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। मैंने बिना वक्त गवाए 5 चीजों की लिस्ट तैयार कर ली। आप भी जानिए, अगर ये चीजें आपके घर में हैं तो पैसा नहीं टिकेगा। अक्सर हमारे घरों में टूटे फूटे बर्तन रखे रहते हैं, होता है ना। शास्त्रों के अनुसार ये बड़ा ही अशुभ वास्तु दोष है जो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसीलिए घर में टूटे बर्तन ना रखें। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली पर घर के सभी टूटे फूटे बर्तन बाहर निकाल दिए जाते हैं। दिवाली आने वाली है, थोड़ा सा इंतजार कर दीजिए। उस समय सारे टूटे बर्तन निकाल कर बाहर फेंक दीजिएगा। घर में टूटा हुआ आईना रखने से नेगेटिविटी फैलती है और घर के सभी सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। घर, गाड़ी या कहीं भी टूटे शीशों को तुरंत बाहर कर दें। यदि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ होता है तो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आने लगती हैं और उनके आपसी संबंध में टेंशन हो जाती है। घर में शादीशुदा जिंदगी अच्छी रखने के लिए पलंग के टूटते ही या उसकी तुरंत मरम्मत करवा लेनी चाहिए। इसको बदल भी सकते हैं। कुछ लोग खराब घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि घर में रखते हैं। इनका मानना होता है कि समय आने पर सही करवा लें, परंतु ये घर में नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। इसीलिए घर के सदस्यों के बीच आपसी झगड़े होने लगते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है। घर में कभी भी टूटी कोई तस्वीर, कोई फोटो, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं रखें। ये भी वास्तु दोष माना जाता है, खास तौर पर किसी देवी देवता, धर्मस्थल या फिर खुशहाल परिवार, किसी रमणीय स्थान, बच्चे आदि की तस्वीरें, प्रतिमाएँ हो, कटने फटने टूटने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। मालामाल होने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, मालामाल होने का मतलब होता है कि आपका अपना घर भी होना। तो चलिए, अगर अभी तक आपके घर का सपना पूरा नहीं हुआ तो आप पूरा किए देते हैं। आपकी माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करना होगा। एक अचूक उपाय करना है जो मैं बताने जा रही हूँ, फिर देखिएगा बचे हुए साल में आपके अपने घर के कुछ योग जरूर खुल जाएंगे। हर शुक्रवार एक गरीब और जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। संडे के दिन गौ माता को थोड़ा गुड़ खिलाएं। इसके अलावा
रोज सुबह नहाने के बाद एक मंत्र बता रही हूँ, इसका जाप जरूर करें। मंत्र है ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रज व्रंजापुषी प्रतिभवंती भवंती। इस उपाय को रेगुलर करने से, जाप करने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा और कुछ ही वक्त में बड़े घर के आसार भी बनेंगे। अगर आपको खुद का मकान बनाने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपके मकान बनाने के लिए लोन नहीं मिल पा रहा, तो आपको जो जगह पसंद है उस पर कोई और नजर ना जमाए बैठा हुआ हूँ, इन सभी समस्याओं से निदान पाकर अपने घर को बनाने के लिए एक मिट्टी की कोरी हांडी लें। अब इस हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री कपूर और शहद डालें। हांडी को अपने सामने रखें और सामने बैठकर दुर्गा नवारण के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद इस हांडी को किसी नदी या तालाब के पास ले जाएं और इसे जमीन में गाड़ दें। इस उपाय को करने से भी माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको जल्दी ही बेस्ट जमीन पर घर बनवाने के लिए सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या पर्स में बरकत नहीं रहती? अगर आपके पर्स में बरकत नहीं रहती, आप ये चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे, तो आप ब्राउन कलर के पर्स में 10 रुपए के 2 और 20 रुपए के 2 नोट पर चंदन का इत्र लगा कर रखिए। इससे राहु कंट्रोल होता है और आपके पर्स के नोट कभी कम नहीं होते हैं। अभी आपसे रुपए पैसे की और भी बात होगी, लेकिन मुझे मेल्स आई हैं और पता चला है कि मेरे दर्शकों की एक और परेशानी है। अक्सर गर्दन, आपके घुटने, आपके एल्बोस, इन सब में कालापन आ जाता है। ये स्किन के अलग बिल्कुल दिखने लगता है, तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, आइए जानते हैं। खूबसूरती की बात करें तो नख से शिकता, यानी कि आपके शरीर का हर अंग खूबसूरत लगना चाहिए। और खूबसूरत लगते लगते अगर आपकी कोहनियाँ, घुटने या हील्स के आसपास का एरिया डार्क हो जाए तो बहुत ही खराब लगता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा लगे एक बार ब्लीच ज़रूर कर डालीजिए। ब्लीच करने के बाद अगले दिन से, उसी दिन से नहीं, कुछ कुछ उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में नींबू तो हर घर में होता ही है, नींबू को काटिए, थोड़ा सा निचोड़ लीजिए, उसमें डालिए थोड़ा सा नमक या डालिए चीनी, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे स्क्रब के काम आते हैं। उसको कोहनियों पे लगाइए, चारों तरफ धीरे 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 मलिए। आप देखिए कुछ ही दिन ऐसा करेंगे तो आपके कोहनियों का रंग जो है काफ़ी हद तक कालापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा घर में मीठा सोडा बहुत आसानी से मिल जाता है, मीठा सोडा लीजिए, उसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल लीजिए और इन दोनों को मिला के अच्छे से रगड़िए। एक हफ्ते बाद फिर दोबारा कीजिए, 3-4 हफ्ते करेंगे तो आपकी कोहनियों का रंग जो है काफ़ी हद तक अच्छा निकल आएगा। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, हमेशा कोहनियों को साफ रखिए, घुटनों को साफ रखिए। और अगर बाहर जा रहे हैं और आपका कालापन नहीं जा रहा, थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर करेक्टर्स आजकल मिल जाते हैं रेड कलर के, तो वो कलर करेक्टर लगाइए और अपनी स्किन का कलर उसके ऊपर लगाइए, पाउडर लगाइए, आप आराम से जा सकते हैं। वैसे आजकल केमिकल पील्स अवेलेबल हैं, जिनको करने से कहीं भी कालापन होता है स्किन का तो वो भी निकल जाता है। आप बहुत ही परेशान हो गए हैं और देख रहे हैं कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, तो आप कोई ना कोई केमिकल पील भी कर सकते हैं। केमिकल पील को लगाया जाता है और उसको कुछ देर रखा जाता है, एक दिन तक आपको उसमें पानी नहीं लगाना होता, लेकिन उसके बाद आप जितना मर्जी धोइए, जैसे जैसे आपकी स्किन ऊपर से पील होती जाएगी अंदर से अच्छी स्किन निकलेगी। लेकिन सफाई करके रहना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ चाहें तो जब आप नहाते हैं तो एक प्यूमिक स्टोन अवेलेबल होता है जो बहुत ही लाइट रगड़ाई करता है, ज़्यादा जोर से नहीं रगड़ता आपकी कोहनी पे, तो हल्का सा उससे रगड़िए। और अगर आपको चुभता हो तो थोड़ा सा साबुन लगा के उसको रगड़िए। रोज़ रोज़ ऐसे करेंगे तो आपकी कोहनियाँ बिल्कुल साफ़ रहेंगी। अगर आपको ड्राइनेस लगे तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, मॉइस्चराइज़ करने से भी कोहनियाँ साफ़ रहती हैं। और घर से बाहर निकलते वक्त कोहनियों पे कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र लगा के जाइए जिसमें SPF हो, यानी कि वो SPF युक्त जो मॉइस्चराइज़र मिलते हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए। आइए अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। क्या शुक्र ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है? ऐसे में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, शुक्र कमज़ोर होता है तो फिर हमारी लाइफ में प्लेजर्स नहीं रहते, तो आपको परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और तो और
आपको इसके अलावा कुछ ऐसा समय जब भी मिले तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को माता लक्ष्मी को इत्र और श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच जहां प्रेम बढ़ेगा वहीं घर में धन और समृद्धि भी बरकरार होगी। लक्ष्मी जी की बात हो गई, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी अब तक शादी नहीं हुई या आपके जीवन साथी को आपका साथ पसंद नहीं है, ऑफिस में भी हमेशा आपका बॉस आपसे उखड़ा रहता है, तो अब मैं आपको जिस बारे में बताने जा रही हूँ उससे आपकी सारी परेशानियां हो जाएंगी छुमंतर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं परफ्यूम की बात कर रही हूँ। जी हाँ, और आज आपको परफ्यूम के बारे में बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले वो जानिए कि राशि के हिसाब से कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए जो आपके कई बिगड़े काम बना देगा। मेष राशि के लोग मोगरा, गुलाब मोगरे का परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जैस्मीन या कोबरा की फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम, डिओड्रेंट इस्तेमाल कीजिए। मिथुन राशि वाले लैवेंडर और लोटस का परफ्यूम, इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्क राशि वाले लोग गुलाब या लिली का परफ्यूम, डिओड्रेंट इस्तेमाल कीजिए। सिंह राशि वाले लोग चॉकलेट फ्रेग्रेंस या नरगिस का परफ्यूम, डिओड्रेंट इस्तेमाल कीजिए। कन्या राशि वाले लोग लिली या ऑरेंज का परफ्यूम, डिओड्रेंट इस्तेमाल कीजिए। तुला राशि वाले लोग लोटस या रोज का परफ्यूम, डिओड्रेंट इस्तेमाल कीजिए। वृश्चिक राशि वाले लोग रोजमेरी या चंदन का इत्र परफ्यूम, डिओड्रेंट इस्तेमाल करें। धनु राशि वाले लोग चॉकलेट, सनफ्लावर या ऊद का परफ्यूम, डिओड्रेंट इस्तेमाल करें। मकर राशि वाले लोग कोबरा, चॉकलेट या फिर आप स्ट्रॉन्ग पोतपुरी जैसा डिओड्रेंट यू इस्तेमाल कीजिए। कुंभ राशि वाले लोग जैस्मीन, नरगिस या आउद का परफ्यूम इस्तेमाल कीजिए। और मीन राशि वाले लोग कस्तूरी या लोटस का परफ्यूम इस्तेमाल कीजिए। चलिए, वक्त हो गया है आज की स्पेशल एस्ट्रो ट्रिप का। ये खास एस्ट्रो ट्रिप आपको कैसे फायदा देगी झटपट जानिए, मेरी इन्फॉर्मेशन आपके हमेशा काम आएगी। क्योंकि आज परफ्यूम की, इत्र की बात की, तो आपको एक बहुत खास बात बताते हैं। आपके बॉडी पर कहीं हिडन चक्रास भी होते हैं जिसको हम इत्र के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, आप डरते हैं, तो आपकी स्पाइन के एंड में पीछे की तरफ आप थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं पचौली एसेंशियल ऑयल आपको इजीली मिल जाएगा, उसको गूगल भी कर सकते हैं पचौली का, उसको दो बूंद लेकर अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ अपनी एंड ऑफ द स्पाइन पे मलिए। कुछ दिन इसको लगातार करते हैं, कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगी। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपका मन कमज़ोर है, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी मन से गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुलाब का इत्र लीजिए, सेंटर ऑफ द चेस्ट में रोज़ घुमाकर लगाइए, आपके मन को मजबूती मिलेगी, आपका मन स्ट्रांग होगा। इसी तरीके से तुलसी के जल को लेकर अपने गर्दन के यहाँ पर रोज़ घुमाइए, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। तुलसी का जल ले भी लीजिए और लगा भी लीजिए, ये साथ साथ करने पर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, लोग आपकी बातचीत से इम्प्रेस होते हैं। आज आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन पहले आपकी हैंडराइटिंग से जुड़ी खास बात। अक्सर नौकरी ना मिलना, नंबर अच्छे ना आना, करियर में रुकावट आ जाना, प्रमोशन में देरी होना, जीवन में कई कष्ट की वजह गड़बड़ हैंडराइटिंग आपकी सोच होती है। इसीलिए मैं आपको बीच बीच में हैंडराइटिंग में बदलाव करने वाला तरीका बताती रहूंगी। चलिए, अब मेरी क्लास शुरू हो रही है। देखिए, तीन मेन राइटिंग एंगल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला होता है राइट स्लैंट, यानी कि दाई तरफ झुकाव वाला। जैसे हम ये लिखेंगे हेलो, अब देखिए ये एच का डंडा, ये सब राइट की तरफ झुक रहा है ना, इसको राइट स्लैंट बोलते हैं। ये राइट तरफ स्लैंट करती है, हमारी राइटिंग राइट तरफ गिर रही है, इसका ये मतलब होता है। ये शो करता है कि पूरी दुनिया और ज़िंदगी के लिए एक बिंदास नज़रिए को ये ऐसे शो करता है। ये एक तरीके की एक्स्ट्रोवर्ट, यानी कि मैं ओवर आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये एक्स्ट्रोवर्ट यानी कि अपनी बात कहने में न चूकने वाले व्यक्ति की हैंडराइटिंग की निशानी है, संकेत देता है। इसी तरीके से ये प्रोग्रेशन यानी कि आगे बढ़ने वाली आदमी की निशानी भी है। अब अपराइट हैंडराइटिंग कैसी होती है,
अपराइट यानी कि बिल्कुल सीधी, देख रहे हैं बिल्कुल सीधी हैंडराइटिंग। ऐसी हैंडराइटिंग, ये एंगल दर्शाता है संसार और जीवन से एक दूरी, अपने आप में संपूर्णता का भाव। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसे लोग स्टेबल और थोड़े रिजिड होते हैं। अब एक हैंडराइटिंग होती है लेफ्ट स्लैंट, ये जब हैंडराइटिंग पीछे की तरफ बैकवर्ड गिरे, ये आगे जा रही है और ये पीछे जा रही है, तो बाईं तरफ झुकाव वाली हैंडराइटिंग का जो एंगल होता है इसको लेफ्ट स्लैंट कहते हैं। इसका मतलब इंट्रोवर्ट आदमी, कि मैं पीछे छुप रहा हूँ, समझ रहे हैं, और ये मैं आगे जा रहा हूँ। रिग्रेशन, कमज़ोर सोच, ऐसे व्यक्ति जो हैं इनमें डिप्रेसिव क्वालिटीज़ भी ज़्यादा होती है। ये भी कह सकते हैं कि ये अपने अहम में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में इसको पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और संसार से दूर हैं। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है तो कम से कम स्ट्रेट या आगे की तरह शिफ्ट करें और अपने बच्चों की हैंडराइटिंग पे ज़रूर नज़र डालें। ऐसा करने पर आपके बच्चों का एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अगर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं तो भी ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयरिंग बन जाते हैं, लोगों पर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा राइट एंगल तो ठीक है, राइट स्लैंट ठीक है, पर लेफ्ट स्लैंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताते हैं। सवाल ये है कि क्या आपको बार बार पैसों का लॉस होता है? ऐसे में अगर आपको अचानक पैसों का नुकसान होता है तो आप 7 फ्राइडेज किन्हीं भी 7 सुहागनों को अपनी पत्नी के माध्यम से लाल चीजें तोहफे में दें, और अगर तोहफे में इत्र भी हो तो इसका फल आपको ज्यादा जल्दी मिलेगा। शो के एंड में आपको बताते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, घर की आमदनी नहीं बढ़ रही है? ऐसे में मछलियों के जोड़े की मूर्ति या पेंटिंग को घर में लगाएं, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच लगाएं, ये बहुत शुभ माना जाता है। इनके प्रभाव से घर में धन और बरकत होती है और ऑफिस में प्रमोशन भी मिलता है। साकार करें सपने अपने।